बलरामपुर से खबर है, पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रामानुजगंज में ज्वेलरी शॉप में लूट कांड के आरोपी हैं। घटना के मुख्य आरोपी की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया है। लूटे गए 2,40,00,000 रुपए का सामान बरामद कर लिया गया है। लूट की घटना में इस्तेमाल पिस्तौल जब्त है। दिल्ली, चंडीगढ़, झारखंड और बिहार से की गई है गिरफ्तारी। 11 सितम्बर को हथियारबंद लुटेरों ने घटना को दिया था अंजाम। पुलिस अधीक्षक इस मामले में नजर बनाए हुए हैं। तो सहयोगी ब्रजेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम अपडेट्स के साथ। बताएं क्या है ये पूरा मामला। जी बता दूं, बलरामपुर जिले में 11 सितंबर को हुए दिन दहाड़े बंदूक की नोक पर राजेश ज्वेलर्स में एक बड़ी लूट की वारदात हुई थी, जिसके बाद अज्ञात लुटेरे झारखंड की ओर फरार हो गए थे। उस लूट में अज्ञात चोरों ने करीब 292 करोड़ रुपए के सोना चांदी के जेवरात एवं 7 लाख रुपए नकदी लेकर फरार हो गए थे, जिसके बाद जो ज्वेलर संचालक हैं उनके द्वारा थाने में FIR कराई गई थी। उसके पश्चात बलरामपुर पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए लगातार जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पता तलाश कर रही थी। वहीं 21 दिनों में जो आरोपी है उनके कुछ साक्ष्य मिलने के बाद जो बलरामपुर पुलिस है जो इस घटना का जो मुख्य आरोपी है, इस घटना का जो मुख्य सरगना कहा जा सकता है, उसकी गर्लफ्रेंड समेत 6 लोगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। साथ ही आरोपियों के पास से 3 किलो सोना एवं 7 किलो चांदी, 2 देसी कट्टा, 1 बोलेरो वाहन, 2 अपाची वाहन बरामद की है। जी बिल्कुल, जानकारी मिल रही है कि दिल्ली, चंडीगढ़, झारखंड और बिहार से ये गिरफ्तारी की गई है। तो इस पूरे नेक्सस को खंगालने को लेकर या इस तरीके के कोई और मामले में इन आरोपियों की उसमें वे इन्वॉल्व हो, ऐसी कोई जानकारी मिल पाई है? क्या स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? जी बता दो, मामले का खुलासा करते हुए जिले के जो पुलिस अधीक्षक वैभव बनकर रमनलाल हैं, उनका कहना है कि ये आरोपी आदतन आरोपी हैं और इनके द्वारा छत्तीसगढ़ समेत झारखंड, बिहार, कई राज्यों में लूट के वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। और जो मुख्य आरोपी है बुग्गी गैंग के हैं सभी आरोपी, इनके ऊपर झारखंड सरकार जो है वो इनाम भी घोषित कर रखा है। जी तो बिल्कुल ये सफलता, और अब आगे देखना होगा क्या इसमें और भी गिरफ्तारियां होती हैं। फिलहाल नजर बनाए रखें आप। बहुत बहुत शुक्रिया।